ये इस फिल्म में मैं एज ए हीरोइन लॉन्च हो रही हूँ आकाश जी के अपोजिट, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं आकाश जी के साथ एज ए हीरोइन फिल्म करूँ, और मेरी शुरुआत हो चुकी है भौजी पटनिया में, तो आप लोग भौजी को एकदम देखेंगे। मस्ती थी, आज हमारा मुहूर्त हो रहा है भौजी पटनिया फिल्म का। देखिए, भौजी पटनिया जैसा नाम है उससे ये जाहिर हो रहा होगा आप लोगों को कि ये नारी सशक्तिकरण को लेकर है, वुमेन एम्पावरमेंट की सारी बातें हैं। पटना साहेब से मेरे पिताजी इलेक्शन लड़े थे 2014 में, पटना में मेरा घर है काजीपुर में, और पटना की एक टाइटल भी हो गई अब फिल्म में भौजी पटनिया, तो तीन चीज़ें कॉमन है इस बार। देखिए किरदार क्या है कि पटकथा बहुत हद तक रिवील कर देंगे हम लोग, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो एकदम भोजपुरी फिल्में होती हैं, गांव की कहानी, गांव का इमोशन, उस सारी चीज़ों को हम पकड़ के चलें, टाइटल से ही जाहिर हो रहा है। सीमा जी ऐसा मजाक कर रही हैं कि इसका दर्शकों को अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीमा जी बहुत नटखट हैं, वो सेट पे मजाक करते करते अपना काम करके चली जाती है, इनके जोक में हम लोग गोलमोल हो जाते हैं हमारा काम भूल के। तो जहाँ तक सीमा जी का कहना, उनका भी बहुत अहम किरदार है इस बार इस फिल्म में, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि एक नया छवि देखेंगे सीमा जी का। मैं दावा शायद पेश कर सकता हूँ ना, दावा पेश कर सकता हूँ। जब से आकाश जी ने इंडस्ट्री में कदम रखा है तो मेरी यही इच्छा रही है कि हमेशा मैंने विलन लोगों को छेड़ा है, तो इनको देखकर, इनकी हाइट पर्सनालिटी देखकर हमेशा इच्छा होती है कि यार कभी छेड़ने का मौका मिले। और इस फिल्म में भी मैंने अपने डायरेक्टर जो हैं हमारे प्रवीण अजय जी, उनसे भी मैंने ये चीज़ बोला है कि प्लीज़ आप गाने में भले 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए एंट्री करवाइएगा, लेकिन करवा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। जिस दिन सीमा जी मुझे छेड़ देंगी उस दिन तो जतरा तय हो गया मेरा, मैं जान रहा हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों ने मुझे अब तक जैसे भी देखा है, 90s की कहानियाँ गाने जो होते थे वैसे किरदार में आप लोगों को नजर आऊंगी, वैसे गाने में मैं आपको नजर आऊंगी, क्योंकि ये एक नारी प्रधान फिल्म है और बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें लिखी गई हैं, गाने भी लिखे गए हैं। दर्शक हमारे जो बहुत पसंद करेंगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा उन्हें मिलेगा। और रही मेरी बात, तो मैं कोशिश करूँगी कि सबसे अलग और सबसे हटकर मैं अपना काम करूँ और दर्शक उसे ज़रूर पसंद करेंगे। पटना जो है वो पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ख़ास जगह है, पाटलिपुत्रा से लेके पटना तक, तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि पटना से मिला जुड़ा हुआ नाम इस फिल्म का है। और जैसा कि इस फिल्म की टाइटल ही बता रही कि पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, जो 8 साल की बच्ची से लेकर जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं सब लोग देखेंगे। और बहुत अच्छी कहानी अजय जी और प्रवीण जी जो इस फिल्म के लेखक भी हैं, निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, ये लोग, इन नौजवानों ने बहुत बढ़िया काम किया है इसमें। ये बताया है इन लोगों ने कि जो हमारे घर की बहनें हैं, भौजी हैं, जो भी हैं महिलाएं हैं, वो अगर बच्चों को पाल सकती हैं, अपना घर परिवार संवार के रख सकती हैं, तो समाज की बुराइयों को दूर करने में भी वो किसी भी मर्द से पीछे नहीं हैं, कम नहीं हैं। तो समाज की कुरीतियों से, बुराइयों से लड़ने के लिए पटना की ये जो भौजी है, ये अपने आप में एक दबंग रूप से तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दबंग रूप में ये दिखाई देंगी इस फिल्म में। हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो संस्कृति है, हम उसको नहीं भूले हैं, ये इन दो नौजवान अजय और प्रवीण ने बहुत मेहनत करके इस फिल्म में दर्शकों तक पहुंचाएंगी अपनी बात इस रूप में। सबसे पहले तो भोजपुरिया जहान के, भोजपुरिया माटी के और भोजपुरिया लोगन के गोर लगातानी, और आप सबके बहुत बहुत आज के दिन के शुभकामना देतनी हम ममता राउत, और ऐसे ही आप लोग हमार ऊपर प्यार बरसाई और ये फिल्म देखे जरूर आई, जेकर के नाम बा भौजी पटनिया। इस फिल्म का जो संगीत दिए हैं ओम झा जी, बहुत सुंदर गाना बनाए हैं, अभी हम गाना मतलब गाना गा चुके हैं, और उसमें बस एक ही लाइन हम गाना चाहेंगे, तनी तू हिला तनी हम हिले। अब बाकी सस्पेंस है, आगे तो आप लोगों को फिल्म ही देखनी पड़ेगी, आके फिल्म हॉल में, सिनेमा घरों में आप लोग प्लीज़ आके देखिए भौजी पटनिया। Planet Bhojpuri.